वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी अपने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड प्लान्स में 21% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नए रेट 1 दिसंबर से लागू होंगे। देश के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर जियो ने रविवार को अपने प्रीपेड टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत जियोफोन प्लान अनलिमिटेड डेटा और डेटा एड ऑन में 19.6% से 21.3% तक की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने पिछले हफ्ते ही अपने प्लान 25% तक महंगे कर दिए थे। इन कंपनियों ने इसके पीछे लगातार बढ़ रहे घाटे को वजह बताया था। जियो की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा 75 रुपए वाले प्लान की कीमत 1 दिसंबर से 20% बढ़कर 91 रुपये हो जाएगी। वहीं 129 रुपये वाला प्लान 155 रुपये, 399 रुपये वाला प्लान 479 रुपये, 1299 रुपये वाला प्लान 1559 रुपये और 2399 रुपये वाला प्लान अब 2879 रुपये में मिलेगा। डेटा टॉपअप की कीमत भी बढ़ाई गई है। अब 6 GB डेटा के लिए 51 रुपये के बजाय 61 रुपये, 12 GB डेटा के लिए 101 रुपये के बजाय 121 रुपये और 50 GB डेटा के लिए 251 रुपये के बजाय 301 रुपये खर्च करने होंगे। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।